हाय मेरे खाने के शौकीन दोस्तों, चूल्हा मसाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको होममेड यानी घर में बने हुए चोको चिप्स से चोको चिप्स कुकीज़ की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप उसे वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही आप इसके बगल में दिए हुए इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। आज हम चोको चिप्स कुकीज़ बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मैदा ली है। मैंने छान ली है मैदा को। मैंने ये चीनी ली है, ये पिसी हुई चीनी है, इसको मैंने छान लिया है। ये चीनी मैंने 70 ग्राम ली है। ये 2 बड़े टेबल स्पून ओट्स हैं, इसको मैंने पीस लिए हैं। 2 बड़े चम्मच ओट्स हैं, ये एक चम्मच डाला और एक चम्मच, 2 बड़े चम्मच ओट्स हैं, ये मैंने पहले पीस लिया था। 1.5 टेबल स्पून ये कोको पाउडर है, 1.5 बड़ा टेबल स्पून है। ये बेकिंग सोडा है, एकदम एक चिमटी डालना है, पिंच ऑफ एकदम इतना सा। ये देखिए, ये आधा टेबल स्पून के आसपास बेकिंग सोडा मैंने डाला है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छा से मिक्स कर लेंगे। हमें सूखा ही मिक्स कर ले रहे हैं, पूरा मिक्स हो जाएगा तब हम बटर डालेंगे। मैं सोल्टेड बटर डाल रही हूँ, इसलिए मैं नमक नहीं डालूंगी। देखिए मेरा मिल गया है, मैं बाजार का अमूल बटर डाल रही हूँ, ये वाला अमूल बटर है, मैं ये डाल रही हूँ। ये सोल्टेड है इसलिए मैं नमक नहीं डालूंगी। अगर आप घर का बटर यूज कर रहे हैं तो हल्का सा नमक डालिएगा। ये 100 ग्राम बटर है, ये हम पूरा डाल दे रहे हैं। बटर देखिए रूम टेम्परेचर का ही है, फ्रिज का नहीं है। फ्रिज में अगर रखा हुआ है तो 2-3 घंटा पहले आप निकाल लीजिए उसको। देखिए इसको मैश कर ले रहे हैं। घी की क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं, बटर की क्वांटिटी। देखिए हम इसको अच्छा से मिला ले रहे हैं। अब हम हाथ से ही इसको मिलाएंगे। देखिए हाथ से हम इसका डो बना रहे हैं। देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया है। इसमें जरा सा दूध डालेंगे, एकदम आधा टेबल स्पून दूध हम डालेंगे, और सीधा नहीं डालना है, थोड़ा सा हाथ में लेके डालना है, ज़्यादा डल जाएगा। पिछली बार मैंने कुकीज़ बनाई थी तो उसमें कमेंट में आया था कि हमको ग्राम्स के हिसाब से बताइए, तो इस बार मैंने ग्राम्स के हिसाब से ही बताया है, बाउल्स के हिसाब से नहीं बताया है। देखिए थोड़ा सा और डाल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मत डालिएगा, हल्का सा हाथ में लेके डालिएगा, बस इतना दूध से हो जाएगा। अगर आप ये ज़्यादा चॉकलेटी चाहते हैं तो कोको पाउडर आप आधा चम्मच और बढ़ा सकते हैं। देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून चोको चिप्स डाल देंगे। ये चोको चिप्स मैंने हाथ से बनाया है, ये होममेड चोको चिप्स है। अगर इसका रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लिखिए। ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया। अब हम इसको 20 मिनट फ्रिज में रखेंगे। अगर आप गर्मी है तो फ्रीजर में रखिएगा, और ठंडा का मौसम है या वेदर अच्छा है तो फ्रिज में रख सकते हैं। 20 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख दे रहे हैं। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, हमने इसको फ्रिज से निकाल लिए हैं। अब हम इसके देखिए इस तरह के हम पेड़े बना लेंगे, कुकीज़ के साइज के बना लेंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए इसको हम रख देंगे ऐसे। ट्रे को हम ग्रीस नहीं किए हैं, हम ऐसे ही रख दे रहे हैं। अब हम इस ट्रे को पूरा भर लेंगे। देखिए इस तरह से सारी कुकीज़ हम बना लिए हैं, और बीच में आप स्पेस छोड़िएगा, नहीं तो ये फूलेगा तो चिपक जाएगा। अब हम ये चोको चिप्स लगा दे रहे हैं इसके ऊपर। देखिए हम इसमें चोको चिप्स लगा दे रहे हैं। इस आप इसमें कितना भी चोको चिप्स लगा सकते हैं, आपको जैसा चॉकलेटी चाहिए, ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से सारी कुकीज़ में हम लोग चोको चिप्स लगा दिए हैं, आप इसमें ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब हम इसको बेक होने के लिए रख दिए हैं, 140 डिग्री पे 11 मिनट करेंगे।
देखिए इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, कितना अच्छे से फूल गए देखिए। अब हम इसको कांटे की सहायता से ऐसे फैलाएंगे, देखिए इसको फैलाना है बढ़िया से। देखिए स्पेस हम इसीलिए छोड़ने बोले थे कि फैल के और बड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से सबको हमने कांटे की सहायता से फैला लिया है। देखिए अब हम इसको वापस से माइक्रोवेव में बेक होने के लिए रख देंगे, 200 डिग्री सेल्सियस पे 13 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए हमारी कितनी सुंदर कुकीज बन के तैयार हो गई है। इसको हम 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हमें निकाल लेंगे। हमने इन सबको बाउल में निकाल लिया है। देखिए हमारी कुकीज कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है, देखिए पूरा आवाज कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। कुछ दिन पहले मैंने नान खटाई की रेसिपी भी बताई थी, ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।